नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। हरियाणा के यमुनानगर के खिजराबाद इलाके में एक महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को घर के कमरे में स्टोर में दबा दिया। यमुनानगर के खिजराबाद इलाके में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना से हर कोई अचंभित है। इस इलाके में रहने वाले तिलक राज शर्मा 15 जनवरी को गायब हो गए थे। उसके कुछ दिनों बाद तिलक राज की पत्नी ने तिलक राज की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। इस दौरान सभी जगह तलाश की गई लेकिन तिलक राज का कोई पता नहीं चला। इस बीच तिलक राज के रिश्तेदारों को उसकी पत्नी के चाल चलन को लेकर शंका हुई, जिस पर उन्होंने तिलक राज की पत्नी के खिलाफ थाने में शिकायत दी। पुलिस ने जब तिलक राज की पत्नी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने तिलक का शव बरामद किया जिसे पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जा रहा है। थाना प्रभारी प्रताप नगर बलराज ने बताया कि उनको सूचना मिली थी जिस महिला ने एक महीने पहले अपने पति के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रताप नगर निवासी महिला के प्रेमी सोहेल और आरोपी महिला पालो को गिरफ्तार कर मामले की सच्चाई निकलवाई गई और आरोपियों के बताए अनुसार घर में दबे मृतक तिलक राज के शव को बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है और अब इसमें साजिश के तहत हत्या करने की धारा जोड़ दी जाएगी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। तिलकराज ने हमारे पास दरखास्त दी, मेरा पति 15 तारीख से गुम है, जिसमें FIR दर्ज कर दी गई थी, उसकी तलाश आ रही थी। कल कुछ लोगों ने मुझे बताया था थाने में आके भी वो लड़का मिल रहा है और उसकी घरवाली भी शक है। आज उसकी तिलकराज की बहन ने आके और उसके बहनों ने आके मुझे दरखास्त फिर पेश की भाई ये तो हमारा इन्हें खुरबुर मार के ना उसे खुरबुर कर दिया, जिस पर उनको पूछताछ की गया और पालो देवी और उसके एक सोहेल नाम का लड़का है जिसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों को काबू करके पूछताछ की। मैंने बताया भी उसको 14 तारीख को ही रात को उसको मार के ने और घर में दबा किया। किसी से हत्या की गई होगी सर? उन्होंने गला दबाया और रस्सी से उसकी खींच कर रस्सी गले में डाल के उसे खींचा। तो अब इसमें और क्या मामला? बस इनकी शनाख्त पर डेड भी इनकी शनाख्त भी इनकी निशानदेही पर ही डेड बॉडी रिकवर कर लिया, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ठीक है, रस्सी बरामद हो गई सर? नहीं, अभी करेंगे रस्सी अभी।